वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे अजीत डोवल साहब का फ्रांस विजिट को लेके। होपफुली आपको याद है लास्ट महीने जब क्वाड चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पीएम यूएस गए थे और एक्सपेक्टेड था कि यूएस में बहुत सारा डिफेंस डील में हो सकता है कि इंडिया और यूएस के बीच में वो हो और वो जाके पीएम साइन करे। तो इसी बीच में फ्रांस ने अपने तरफ से एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें फ्रांस ने कहा था कि हम लोग अपने तरफ से 100% जो टेक है रिगार्डिंग जो न्यूक्लियर सबमरीन से वो टेक ऑन द अदर साइड, अगर आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन, इसमें 100% जो टेक है हम लोग इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। ऑन द अदर साइड इंडिया ये टेक लेके अपने तरफ से इंडिया में ही प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए हम लोग मतलब फ्रांस जो डील प्रोवाइड कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस का क्लेम था कि मोदी जी इससे बेटर डील जो है वो यूएस से ला नहीं सकता। तो अचानक से एग्जैक्टली फ्रांस को क्या हो गया था जिसके वजह से फ्रांस ने अपने तरफ से मोदी जी का जो क्वाड मीटिंग होने वाला था उससे पहले ही अनाउंस किया, इसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड तो प्रेजेंटली हम लोग देखे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब वो फ्रांस में गए और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने अपने तरफ से एक अलग ही रेस्पेक्ट दिया अजीत डोवल साहब को। उनके साथ बहुत देर बैठ के खुद मीटिंग किए, सारा जो बात था सब कुछ डिस्कशन हुआ। हो सकता है इसका नेक्स्ट लेवल डिस्कशन आगे जाके हो और इसके बाद हम लोग को हो सकता है कि आगे जाके पता चलेगा कि फ्रांस और इंडिया के बीच में प्रेजेंटली क्या डिफेंस डील हुआ है। तो जो भी बात हुआ एग्जैक्टली वो पब्लिक नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या बात हुआ ऑन द अदर साइड, एग्जैक्ट क्या बात हुआ ये अभी तक पता नहीं चला। तो जो भी है ऑन द अदर साइड अगर हम लोग अजीत डोवल साहब को देखे, कुछ दिन पहले ही वो रशिया गए थे जहां वो रशिया में पुतिन के साथ मिले। पुतिन के साथ वो मिलकर बहुत देर तक बात किया, वहां भी उनको अलग ही रेस्पेक्ट मिला। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी कंट्री का जो हेड होता है जब वो जाता है दूसरा कंट्री में तो दूसरा कंट्री का जो हेड होता है वो तभी उनसे मिलते हैं, मगर इंडिया के लिए ये जो थ्योरी है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रेजेंटली हम लोग देखे रशिया जाके पुतिन के साथ मिले, इवन पुतिन के साथ अजीत डोवल साहब बहुत देर तक मीटिंग किए। इसके अलावा भी अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें जो फ्रांस में गए अजीत डोवल साहब वो डायरेक्टली इमैनुअल मैक्रोन से मिल रहे हैं जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी वो डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं। तो दुनिया जो है ये चेंज हो रहा है। आज के डेट में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि अलग कंट्रीज के लिए जो कंट्री के हेड होते हैं वही कंट्री के हेड के साथ जाके मिलते हैं, मगर इंडिया के लिए ये जो फॉर्मूला ये अलग ही है। आज के डेट में इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ता है, अगर वहाँ मोदी जी जा नहीं पाते, मोदी जी दूसरा काम में बिजी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी जिसको भेजते हैं उसको ही ऑनर प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें ये जो डिफेंस डील है जिसमें अजीत डोवल साहब को पुतिन के पास भेजा गया, जिसमें अजीत डोवल साहब को फ्रांस में भेजा गया, हर कोई कंट्री का जो हेड है मतलब कंट्री के जो प्रेसिडेंट है या फिर जो पीएम है वो अपने तरफ से बैठ के उनके साथ मीटिंग किया, उनको कम्प्लीटली रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया, उनके साथ जो बेस्ट डील हो सकता है उनको ऑफर किया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूएन का जो मीटिंग उसमें अगर मोदी जी जा नहीं पाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था जयशंकर साहब वो गए, वो जाके पाकिस्तान को याद दिला दिया कि भाई आप लोग क्या हो और आप लोग क्या बकते हो और एग्जैक्टली आप लोग का क्या स्टेटस है। इसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ चैनल में, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो नो डाउट इंडिया जो है, इंडिया का जो रेस्पेक्ट है ये दुनिया में आगे जाकर धीरे धीरे बढ़ रहा है। नो डाउट इंडिया को हर कोई कंट्री जो है ये अलग ही नजरिया से देख रहा है और जो इंडिया के प्रेजेंटली जो मिनिस्टर्स है या फिर इंडिया के जो मोदी जी के स्पेशल फोर्सेज हैं जो लोग इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग को हर कंट्री में ही अलग रेस्पेक्ट मिल रहा है, ये तो प्रूव ही हो गया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, अगर आप जानना चाहते कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, क्यों अजीत डोवल साहब को इतना रेस्पेक्ट दिया गया या फिर कंट्री के जो हेड है मतलब जो प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली रेस्पेक्ट तो हर किसी को मिलता है मगर रेस्पेक्ट मिलने का जो परसेंटेज है एग्जैक्टली कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है किस लेवल पे मिल रहा है वो मैटर करता है। तो कंट्री के प्रेसिडेंट अगर कोई भी कंट्री के दूसरा कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके साथ मिलकर मीटिंग करते हैं लॉन्ग टाइम से तो ऑब्वियसली ये एक मैटर करता है। तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो पहला जो रीजन है वो है इंडिया एक बायर है। बायर किस चीज़ का, मिलिट्री इक्विपमेंट का। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें इंडिया बहुत साल से रशिया यूएस फ्रांस यूके इवन इसराइल से भी डिफरेंट टाइम में इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होता है या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो खरीदा है। आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी का हालत क्या है या फिर दुनिया का जो टोटल इकोनॉमी है उसमें इंडियन इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करता है सबको पता है और इंडिया जो में जो मार्केट है वो भी सबको पता है। तो हर कोई कंट्री चाहता है कि भाई इंडिया के साथ हम लोग रहे और इंडिया हम लोगों के पास से आकर डिफेंस डील करे, क्योंकि इंडिया को अगर कुछ लेना है वो हम लोगों से लेता है तो इंडिया के साथ हम लोग का रिलेशन भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, हम लोग का जो पैसा है वो भी सिक्योर रहेगा और यहाँ जो मार्केट है ये एक बड़ा मार्केट है तो आगे जाके हम लोग का बहुत सारा प्रोडक्ट भी सेल हो सकता है। क्लीन एंड क्लियर फार्मूला फॉर एवरी कंट्रीज, और यही सोच के हर कोई कंट्री इंडिया के जो कोई भी है अगर मोदी जी जाते तो नो डाउट
मोदी जी को तो हर कोई कंट्री अपने गले लगा लेता है, इसके अलावा भी अगर दूसरा कोई जाता है तो ऑब्वियसली उनको एग्जैक्टली सेम लेवल पे उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, उनके साथ मीटिंग किया जाता है ताकि इंडिया उन लोगों का जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट शो करे और वो लोग इंडिया को एक बेटर डील प्रोवाइड करे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिससे क्या होगा, जिससे एग्जैक्टली इंडिया उन लोगों का जो सामान है वो खरीदेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एक पुराना स्टोरी। आज से बहुत साल पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन का जरूरत होता है, न्यूक्लियर सबमरीन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस का बात हो रहा था, तो फ्रांस ने बोला ठीक है भाई चलो हम लोग आपको एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बना के देंगे, तो एग्जैक्टली जो डील है वो पक्का होने वाला था। उस बीच में अचानक से क्या हुआ, यूके और यूएस घुस गया, घुस के बोला कि भाई आप लोग फ्रांस से जो डील कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया को वो डील तो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, हम लोग आपको इससे बेटर डील प्रोवाइड करेंगे। फ्रांस का जो डील है उसको उड़ा लिया गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस ने अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं पाया, फ्रांस का बना बनाया हुआ डील जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था जिसमें फ्रांस अपना जो सबमरीन बना के बेच रहा था वो बेच नहीं पाया, तो नो डाउट उस टाइम में फ्रांस को ख़राब लगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस चुप बैठा था। प्रेजेंटली जब क्वाड हो रहा था फ्रांस ने देखा कि भाई क्वाड में इंडिया तो फिर जाकर डिफेंस डील कर सकता है, उससे पहले हम लोग ही मोदी जी को एक बेटर ऑफर कर दे, इंडिया को एक बेटर ऑफर कर दे, और इस बार ऐसा ऑफर करेंगे कि इंडिया भाई सोचता ही रहेगा, यूएस भी सोचता रहेगा, क्या 100% टेक ट्रांसफर, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरा हम लोग इंडिया को बेच देंगे कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप लीजिए, लेके आप अपने तरफ से ये बनाइए, आप अपने लिए बनाइए, अगर आप अपने इंडिया में बनाते हैं उसको बना के आप दूसरे कंट्री को भी बेचिए कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है आपके साथ है, हम लोग आपको 100% सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग आपको हमेशा मतलब जो भी अगर कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, अगर आप उसको यूज़ करके नेक्स्ट लेवल में कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग का ज़रूरत है, हम लोग का सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यही डिफेंस डील देखें यूएस के साथ, डिफरेंट टाइम में यूएस के साथ हम लोग का बहुत सारा डिफेंस डील हुआ है, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली यूएस ज़्यादातर टाइम जो है वो अपना 80% जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करता है, 20% जो टेक्नोलॉजी है वो अपने पास ही रख देते, वो शेयर नहीं करता, मतलब आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो नो डाउट हम लोग को घूम फिर के यूएस के पास ही जाना पड़ेगा, और यूएस अगर चाहेगा हम लोग का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर यूएस चाहेगा वो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ खिलौना बन जाएगा, क्योंकि यूएस के पास उसका जो टेक्नोलॉजी है उसका जो एक्सेस है वो यूएस के पास है, तो नो डाउट यूएस कभी ऐसा किया नहीं है, मगर ये जो 100% टेक्नोलॉजी अगर शेयर नहीं होगा तो ये हो भी सकता है आगे जाके, जैसे कि हम लोग को इस बार देखने को मिला ये पेजर अटैक में, भाई एक छोटा सा 30 ग्राम का एक डिवाइस लगा दिया और वो भी ब्लास्ट कर दिया और उसको भी रिमोट कंट्रोल से उसको कहीं से कंट्रोल किया गया, तो ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है ऑन द अदर साइड अगर आप कोई डिफेंस डील कर रहे हैं, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है, क्योंकि ये इंडिया मिलिट्री जो है या फिर नेवी जो है या फिर एयरफोर्स जो है उनके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें हम लोग को ऑब्वियसली बहुत ही सोच के बहुत ही देख के उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और यही सब सोचने के बाद हर कोई कंट्री चाहेगा कि भाई हम लोग इंडिया को एक बेटर डील ऑफर करें, जिससे क्या होगा इंडिया हम लोग के पास से सामान खरीदेगा और हम लोग का और इंडिया के बीच में एक अच्छा रिलेशन ग्रो होगा, इसके लिए इंडिया आगे जाके हम लोग को फिर से ऑर्डर प्लेस करेगा और इसमें जो दो कंट्री का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ कंट्री का रिलेशन अच्छा रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर दूसरा जो हम लोग के कंपटीटर्स है वो लोग भी सोचेगा कि भाई इतना जो बेस्ट प्रोवाइड करे हम लोग तो ये नहीं कर रहे, हम लोग का जो डील है वो मारा गया, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ये जो डील है इंडिया और फ्रांस का ये हो सकता है आगे जाके इसका एग्जैक्टली क्या इम्प्रूवमेंट है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि भैया ये जो मीटिंग हुआ इसमें एग्जैक्टली क्या क्या बात हुआ, नो डाउट इसमें जो 100% टेक ट्रांसफर है इसको लेके बात हुआ है, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो सबमरीन है जो न्यूक्लियर हेड सबमरीन, मतलब जो सबमरीन एग्जैक्टली इंडिया यूज़ करके कोई और जो सबमरीन से या फिर कोई और जो वार शिप है उसको अटैक कर सकते हैं, वो सारा सबमरीन बनने का जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके भी बात हुआ है। ऑन द अदर साइड जो अंडर वाटर ड्रोन है उसको लेके भी बात हुआ है, होपफुली एग्जैक्टली कुछ पब्लिक नहीं हुआ जैसे मैंने आपको कहा, तो ये सारा टॉपिक है। इसके अलावा भी हो सकता है कि आगे जाके ये जो वार चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच इसको लेके या फिर जेलेंस्की को लेके भी बात हुआ है, एग्जैक्टली क्या बात हुआ है ये आगे जाके हम लोग को पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो बना के फिर से लाऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL, जाके आप वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाला है, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है, जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।